नमस्कार दोस्तों, आज हरियाली अमावस के अवसर पर टीम यूनिक वेब क्रिएशन पहुंची है सुखराम बाबा के मेले में। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको इस विशाल मेले का अवलोकन करवाते हैं। मेले से कुछ पहले यहाँ पर एक खुला चौक है, श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। आगे बता रहे हैं कि बहुत बड़ा जाम है, इस वजह से काफ़ी लोग यहीं पर अपने वाहन पार्क करके फिर आगे बढ़ रहे हैं। श्रावण मास में हरियाली की छटा देखते ही बनती है। वाहनों की रेलम पेल आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी भीड़ यहीं से नज़र आने लग गई है। मेरे एक मित्र ने बताया कि वह जाम में 1.5 घंटे तक फंसा रहा, तो लगता है वाकई में काफ़ी वाहन यहां पे इकट्ठे हो रखे हैं। लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। मेला स्थल से काफ़ी पूर्व ही लोगों ने अपने वाहन पार्क करने शुरू कर दिए हैं, ताकि वापसी के वक्त में उन्हें दिक्कत ना आए। हम भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप सज्जन समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि गाड़ी को आगे न ले जाएं, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। यहाँ से फिर हम पैदल चले। मनोरम दृश्य मेला मैदान की ओर जाने के, और ये जो भी बंधु बड़े वाहन लेके आए उन्हें समस्या हो रही है। श्री सुखराम बाबा गो सेवा समिति मोरेड विद्याद द्वारा यहाँ पर गो सेवा के लिए दान लेने का प्रबंध भी किया गया है। अपनी बचत में से कुछ। मेले के दृश्य आप देखें, लोगों की भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है सुखराम बाबा के। काफ़ी श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं हरियाली अमावस्या के दिन इस मेले में। आरती स्थल तक, पूजा स्थल तक पहुंचने का अच्छा प्रबंध सुव्यवस्थित तरीके से किया गया है। पंक्तिबद्ध होकर लोग यहां पर प्रसाद चढ़ाते हैं, आरती लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुखराम बाबा के जयकारे लगाते हुए Thank you.
भक्तों की भीड़ आप देख पा रहे हैं, काफ़ी श्रद्धा लोग सुखराम बाबा में रखते हैं। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी यह स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है। परिवार के साथ लोग एक दिन आते हैं तो दर्शन के उपरांत यहाँ की प्राकृतिक छटा को निहारने का अवसर नहीं चूकते। ख़ास तौर से युवा वर्ग में सेल्फी लेने का काफ़ी चलन है। वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग लोग भी इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं बैठकर। सुखराम बाबा विराजमान हैं यहाँ पर और उनकी कृपा दृष्टि हम सभी पे बनी रहे, यह उनकी तपस्या स्थली है। और हरियाली अमावस्या के दिन विशेष रूप से भक्तगण उनका आशीर्वाद पाने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। आप देख पा रहे हैं श्रावण मास में जब बरसात हो जाती है तो किस तरह से ये पहाड़ी हरी भरी हो जाती है। युवा वर्ग भी अपना समय इस माहौल में व्यतीत करते हुए पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तत्परता से मौजूद है। व्यवस्थाएं चाहे सुरक्षा व्यवस्था की हो या वाहन पार्किंग की, काफ़ी अच्छे से की गई है। इतनी अधिक भीड़ को देखते हुए, बारिश के मौसम को देखते हुए यहाँ के कार्यकर्ताओं का साधुवाद, उन्होंने निरंतर प्रयास किया इस मेले को सफल बनाने के लिए। इस मेला मैदान के चारों ओर आप देखेंगे दुकानें पंक्तिबद्ध लगी हैं, प्रसाद के लिए लोग यहाँ से माला और प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतर दुकानें जैसा आप देख पा रहे हैं नारियल और प्रसाद की ही हैं। दुकानदार भी काफ़ी उत्साह में नज़र आते हुए। हर कोई कैमरे को देख करके उत्सुक नज़र आता है। यही हमारी संस्कृति की खूबी है। सुखराम बाबा का यह मेला आम जनमानस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विगत 2 वर्ष में कोरोना ने जरूर इसमें व्यवधान उत्पन्न किया। इस मेला मैदान के पास में यह कुंड, प्राचीन कुंड आप देख पा रहे हैं, इसकी अधिक जानकारी, विस्तृत जानकारी फिर कभी आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। काफ़ी सुंदर और मनोरम स्थान है। सुखराम बाबा के सान्निध्य में
इस सुंदर और शांत प्राकृतिक स्थल का आनंद लेने के लिए आप भी पधारें। जाते हुए हमने भगवान भोले शंकर के दर्शन किए, ग्रामीण बुजुर्ग और संत साधुजन यहाँ बैठे हैं। आशा है हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। यदि आप किसी कारणवश आज इस मेले में उपस्थित नहीं हो पाए हैं और आसपास ही के निवासी हैं, तो ज़रूर आपको दर्शन लाभ की प्राप्ति और मेले में खुद के होने का एहसास ज़रूर हुआ होगा। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, प्रेम से बोलें सुखराम बाबा की जय।